पीएम ने अभिनेता सुशांत राजपूत की मौत पर दुख जताया है। पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा है, उज्जवल युवा अभिनेता बहुत जल्दी चला गया। पीएम मोदी ने कहा, सुशांत राजपूत के परिवार प्रशंसकों के साथ संवेदनाएं हैं। सुशांत राजपूत ने कई यादगार भूमिकाएं निभाई हैं। सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी की है और इस बात पर देश दुखी हुआ है, तो प्रधानमंत्री की तरफ से भी ट्वीट आया और उन्होंने भी दुख जाहिर किया है। उन्होंने अपने ट्विटर पर लिखा, उज्जवल युवा अभिनेता बहुत जल्दी चला गया है। पीएम मोदी ने कहा, सुशांत राजपूत के परिवार और प्रशंसकों के साथ संवेदनाएं हैं। सुशांत राजपूत ने कई यादगार भूमिकाएं निभाई हैं। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने अपने घर में खुदकुशी की। बांद्रा के घर में फांसी लगाकर खुदकुशी की। सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में बताए जाते हैं। उनकी खुदकुशी की वजह साफ नहीं हो पाई है, लेकिन यह कहा जा रहा है अभी शुरुआती तौर पर कि वो डिप्रेशन में चल रहे थे। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी कर ली है और शोक की लहर न सिर्फ फिल्म जगत में बल्कि देश भर में है, उनके प्रशंसकों में है। प्रधानमंत्री ने भी इस घटना पर दुख जाहिर किया। ट्वीट कर उन्होंने परिवार के साथ प्रशंसकों के साथ संवेदनाएं होने की बात कही, उनका ढांढस बनाया है। तो वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है कि आखिर क्या ऐसी वजह रही है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की है। बांद्रा स्थित अपने घर पर फांसी लगाकर सुशांत ने खुदकुशी की और नौकर की तरफ से संभवतः ये जानकारी सबसे पहले सामने आई है। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई है, पुलिस पहुंची है, मेडिकल टीम वहां पर पहुंची है बॉडी को कवर करने के लिए। सुशांत राजपूत के बारे में ये जानकारी दी जा रही है कि कुछ समय से वो डिप्रेशन में चल रहे थे। सुशांत सिंह राजपूत ने 3 जून को इंस्टाग्राम पर अपना संदेश आखिरी लिखा था और उन्होंने अपनी माँ को याद करते हुए संदेश लिखा था, आंसुओं से भीगा अतीत का जीवन, मुस्कुराहट के एक अर्क को उधेड़ते सपने, जीवन एक क्षणभंगुर है, दोनों के बीच बातचीत है माँ। ये उनका आखिरी इंस्टा स्टेटस जिसमें उन्होंने 3 जून को लिखा अपनी माँ को याद करते हुए एक संदेश, और संदेश के शब्द कुछ ऐसे रहे, आंसू से भीगा अतीत का जीवन, मुस्कुराहट के एक अर्क को उधेड़ते सपने, जीवन एक क्षणभंगुर है, दोनों के बीच ये बातचीत है। तो बेहद परमाहत करने वाला ये एक तरीके से कह सकते हैं कि इंस्टा भी था, जो शायद थोड़ा इस ओर इशारा भी कर रहा है कि वो कहीं ना कहीं कुछ दर्द सीने में लिए हुए थे, कुछ तकलीफ उन्हें जरूर थी। डिप्रेशन की जो बात सामने आ रही है, ऐसी कोई स्थिति जरूर रही होगी, इस बात के संकेत मिलते भी हैं। इंस्टा जो लास्ट उन्होंने स्टेटस अपडेट किया था उसके हिसाब से सुशांत सिंह राजपूत, जो कि कई पहले सीरियल्स के साथ उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी और पवित्र रिश्ता जैसे कई और सीरियल्स उन्होंने किए, उसके बाद वहाँ उन्होंने अपनी एक दमदार पहचान बनाई, उसके बाद फिल्मों का ऑफर मिलना शुरू हुआ। 2016 में धोनी अनटोल्ड स्टोरी में जब उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई एक्टर के तौर पर, तो सबने उनका लोहा माना। सिने जगत से लेकर उनके फैंस से और तमाम क्रिटिक्स तक ने भी कहा कि वाकई इस लड़के में टैलेंट है, दम है, और उसी के बाद उनका करियर जो है वो लगातार ऊंचाइयों की तरफ बढ़ता ही चला जा रहा था। कई फिल्में और भी उन्होंने इसके बाद भी की जिसमें उन्होंने अपनी अदा का लोहा भी मनवाया, लेकिन अचानक इस तरीके से जब ये खबर आती है कि सुशांत सिंह राजपूत ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है, तो लोग हैरान हैं, लोग सदमे में भी हैं और चौंक गए हैं। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी सुशांत सिंह राजपूत के निधन पर दुख जाहिर किया। मुख्यमंत्री ने लिखा, सुशांत सिंह राजपूत को हर कोई याद करेगा,
साथ ही उन्होंने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को दुख सहने की शक्ति और प्रार्थना दें ईश्वर। तमाम बड़े दिग्गज उन्हें याद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भी उन्हें याद किया, परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की, एक शानदार अभिनेता बताया। राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट कर इस खुदकुशी के इस घटनाक्रम पर दुख जाहिर किया। उन्होंने लिखा कि हिंदी फिल्मों के युवा कलाकार सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु का जो समाचार है वो स्तब्ध करने वाला है। उनकी अभिनय क्षमता, प्रतिभा और कौशल के लोग कायल रहे, यूं चले जाना इस कदर पीड़ादायक है। फिल्म जगत के लिए एक बड़ा नुकसान भी है। ईश्वर उनके परिवार और प्रशंसकों को ये दुख सहने की शक्ति दे। तो सुशांत सिंह राजपूत भारतीय टीवी और फिल्म अभिनेता रहे। सबसे पहले उन्होंने देश में है मेरा दिल नामक धारावाहिक में काम शुरू किया, लेकिन बड़ी पहचान उन्हें धारावाहिक पवित्र रिश्ता से मिली। इसके बाद फिल्मों के ऑफर मिलने शुरू हो गए। फिल्म काय पोछे में भी वो लीड रोल में रहे, लेकिन धोनी द अनटोल्ड स्टोरी के बाद तो उनका करियर का ग्राफ ही कुछ और हुआ और वो लगातार आगे बढ़ता चला गया। इसके बाद भी उन्होंने राब्ता में काम किया, केदारनाथ फिल्म आई थी उसमें भी शानदार अभिनय उन्होंने किया था। फिल्म छिछोरे पीछे आई, दिल बेचारा रहा, कई ऐसी फिल्में। और इसके अलावा जिस तरीके से उन्होंने धारावाहिक में भी अपनी दमदार भूमिका निभाई थी, उसने प्रशंसक जो थे वो उनके कायल हो गए थे।